It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. And nobody here now, but I hear you calling out. What is up, you lovely people, and welcome back to the channel. It's day 2 and we are at Krabi. और अभी हम जा रहे हैं यहाँ फोर आइलैंड टूर करने. तो हम जा रहे हैं फोर आइलैंड. अभी एक्चुअली ये टूर स्टार्ट हो रहा था मॉर्निंग 7:45 को. सो हम उठे ही 7 बजे. उसके बाद ब्रेकफास्ट था 7:30. और जैसे ब्रेकफास्ट करने गए वैसे वो आदमी आया और बोला कि चलो 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 फटाफट, बिकॉज उसको और भी पिकअप था. सो अनफॉर्चुनेटली ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ हमारा और फिर फटफट भाग के अभी यहाँ पे आए हैं. बट द पीपल आर स्वीट हियर. शायद उनको पता होता है कि ये लोग बहुत घाई घाई करते हैं, तो उन लोग ने उधर इधर फ्री फूड भी रखा है. बनाना, बिस्किट, कॉफ़ी वगैरह सब रखा था. वैसा नहीं, एंड वो तो इंक्लूसिव है. फिर भी इंक्लूसिव फिर सिर्फ लंच था, ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव नहीं था. सो बेसिकली फोर आइलैंड टूर यहाँ के जो चार आइलैंड्स हैं नज़दीक नज़दीक में वहाँ का टूर कराते हैं. द नेम्स वी डोंट नो द नेम्स. एक चिकन आइलैंड है, कुछ है. एक चिकन आइलैंड है उतना पता है, बाकी तीन का इतना आइडिया है नहीं. पर ठीक है, आज एक्सप्लोर करेंगे तो आपको साथ में बता भी देंगे कि कौन से आइलैंड. और यहाँ से ही फेरी भी जाती है फुकेट को. फीफी आइलैंड टूर भी होता है. सो टोटल क्या है मैं आपको बता दूँ. क्रैबी में देर इज़ फोर आइलैंड टूर. एंड वेन यू गो टू फुकेट देर इज़ दिस जेम्स बॉन्ड टूर. माया बे है और वहाँ पे फीफी आइलैंड टूर होता है. तो यहाँ का जो स्पेशलिटी है वो है फोर आइलैंड टूर. अब फोर आइलैंड टूर क्या है जानने के लिए ब्लॉग पे बने रहो. अभी हमने अभी क्या चेक इन किया, जस्ट पेड आइलैंड फी 400 baht or 200 baht पर पर्सन आइलैंड फी है यहाँ पे. अगर आप इंक्लूसिव पैकेज भी आते हो तो आइलैंड फी आपको पे करना पड़ता है यहाँ पे. And we have arrived at our first island. ये four island में से first island. नाम मेरे को अभी तक याद नहीं आ रहा क्या है. तो ये देख लो island, देखो island की shot, मजे करो अभी. So हमारा पहला spot जो है वो है टप island. अब टप island basically ये दो tiny small islands है. जो फर्स्ट वन है वो है कोमोर एंड द सेकेंड वन इज़ कोटप. एंड देर इज़ दिस नैरो स्ट्रैप ऑफ सैंड जहाँ से आप चल के जा सकते हो जो दोनों आइलैंड को कनेक्ट करता है, प्रोवाइडेड अगर लो टाइड हुआ तो. इफ़ यू आर लकी लो टाइड है तो अभी हम जैसे चल रहे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे वी कैन जस्ट टेक अ वॉक. सो देर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट दिस आइलैंड. यू कैन जस्ट टेक अ वॉक एंड टेक सम ब्यूटिफुल पिक्चर्स. You get around 45 minutes at this island, so you can just sit and enjoy. So, ऐसे चारों island में आपको एक एक घंटा stop मिलता है. You can explore the island within that 1 hour. वैसे time बहुत कम है, एक घंटा मतलब. इधर तो सब photography में सब लोग busy हो गए तो कुछ time spend भी नहीं कर पा रहे. So, उसके बाद हम चले to our second spot, which was the Chicken Island. Chicken Island पे देर इज़ नो बैंक, आप वहाँ पर उतर नहीं सकते हो. जस्ट आपको स्पीड बोट से वो आइलैंड बताते हैं. एंड यू कैन देन टेक अ डाइव, यू कैन डू स्नॉर्कलिंग नियर बाई द चिकन आइलैंड. अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस वॉज रियली ऑफुल, बिकॉज ये सबसे पहला ये तो डीप वाटर है एंड सेकेंडली यू वोंट फाइंड एनी फिशेज. टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक भी फिश हमें नहीं दिखा. सो वी जस्ट सोक्ड आवरसेल्फ बिकॉज इट वॉज रियली वेरी ह्यूमिड, टेम्परेचर वाज हॉट. सो वी टुक अ डाइव. स्नॉर्कलिंग का तो एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मिला बिकॉज कोई भी फिशेज हमने नहीं देखे. वी जस्ट टुक अ स्विम इन द वाटर एंड हमें यहाँ पे एक अराउंड हाफ एन आवर मिला था.
हाफ एन आवर आफ्टर द स्विम वी गॉट बैक टू आवर बोट एंड देन वी मूव्ड आउट टू आवर नेक्स्ट लोकेशन। अभी हम है ओदा आइलैंड पे। अभी हमने वहाँ पे जो स्नॉकलिंग किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट ग्रेट बिकॉज वाटर बहुत डीप है, कुछ नहीं दिखता वहाँ पे। सो इट्स ओनली गुड फॉर अ डाइव, फिशेज तो नहीं दिखेंगे आपके वहाँ पे स्नॉकलिंग पे। ऑल्सो यू कैन डू स्नॉकलिंग, यहाँ पे भी स्नॉकलिंग कर सकते हैं। और ये वाला आइलैंड जो है पोदा आइलैंड थोड़ा पीसफुल लग रहा है। सुनिया कितना टाइम है अभी अपने पास? इन लोग टाइम बहुत कम देते हैं, मतलब हर एक आइलैंड पे देगी ओनली 1 आवर, एक घंटे में कुछ होता नहीं है बिकॉज चार आइलैंड है, आई गेस 5-6 घंटे में मिले। 12 o'clock वी हैव अ लंच, इट्स 11:30 राइट नाउ, वी हैव हाफ एन आवर घूम सकते हैं। 12 o'clock लंच एंड देन 12:45 वी लीव अगेन टू द लास्ट आइलैंड। चलो सो अभी हम बैठे हैं बीच पे और मेरे सामने जो नज़ारा है वो ज़रा देखो, इस मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स, ऐसे सब आइलैंड में ऐसे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स है। बेस्ट पार्ट इसकी अभी कोई नहीं है हमारे आगे, और वहाँ पे भी इफ यू सी वहाँ पे भी छोटे छोटे है स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज़ अ गुड बीच। सो सबसे ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करने मिलेगा वो है पोदा आइलैंड पे, बिकॉज पोदा आइलैंड कंपेरेटिवली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आइलैंड एज कम्पेयर टू द 3 others, एंड इट हैज़ गॉट क्रिस्टल क्लियर वाइट सैंड एंड टॉकवाइज वाटर। और यहाँ पे जो है वो मोस्टली लंच ऑर्गेनाइज होता है, मतलब सभी जगह से लोग आके यहीं पे लंच करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू रिलैक्स आफ्टर हैविंग योर लंच विद द सीनिक ब्यूटी। यू कैन इवन टेक dive, you can swim, you can do snorkeling here as well. So we clicked some beautiful pictures over here. Spent some time, relaxed ourselves, and we went to our last spot. Princess Cave. Which cave? The Princess. Princess Cave. Called Thai is Pranam. Okay, Pranam. And this is the Railar Beach. Yeah, it's around the Railar Beach. This area is so beautiful. So this was our last stop, which was Phranang Beach and Caves, also known as Raleigh Beach, and this is one of the most famous beaches in Krabi because of its spectacular rock formation, turquoise water and fine powdery sand. Abhi ye beach ka jo main attraction hai wo hai Phranang Caves. These are this beautiful rock structure and it is oftenly called as Princess Cave, where you can find a very special fertility shrine. Yahan pe aise aapko phallic symbols dikhenge. These are basically offerings which should fulfill a long desired wish for getting children and fertility. Abhi on this beach you can relax, you can do snorkeling, you can enjoy the beautiful panoramic view of the entire beach, or you can simply go in the water, take a swim under the rocks. Behind the limestone cliff there is a hidden lagoon. Ye hidden lagoon bahut logo ko nahi pata hai, बिकॉज ये जो है वो आपको पूरा रॉक क्लाइंबिंग करके जाना होता है और उसके पीछे से यू कैन एन्जॉय दैट व्यू। सो द क्लिफ ऑफ द बीच अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ रॉक क्लाइंबर्स एज वेल, सो जिसको रॉक क्लाइंबिंग में इंटरेस्ट है यू कैन डू दैट। देर आर ऑल्सो इंस्ट्रक्टर्स वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, रॉक क्लाइंबिंग सिखाते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड दिस इज अवर लास्ट स्टॉप, द ब्यूटीफुल केव्स ओवर हियर। ये पूरा ऐसा वॉक है 10-15 मिनट्स का, ये आपको पूरा केव दिखाते हैं and you can take a walk on the beach as well. This place is amazing. Upar mast caves hai aur sahi hai ye jagah, bahut sahi hai aur pani bhi sahi hai aur itna mast soft sand hai na, bahut sahi hai ye. Just ye view dekho aur ye caves dekho, itna kaash yahan pe kayak milta tha, abhi yahan pe kayak available nahi hai. वी आर बैक फ्रॉम 4 आइलैंड, टूर करके वापस आए हैं रूम पे, फ्रेश हो गए अभी, एंड इट्स 5 PM राइट नाउ, वी आर स्टेपिंग आउट। अभी यहाँ का जो लोकल मार्केट है या जो भी है वो हम देखेंगे एंड विल हैव डिनर एज वेल, राइट निया? थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं मार्केट स्ट्रीट्स, इनके क्या क्या है, अच्छे लग रहे थे तो देखते हैं। वैसे क्रैबी में ज़्यादा कुछ है नहीं, 4 आइलैंड टूर ही मेन है यहाँ पे, और वहाँ का वो कौन सा बीच है, ओंग नोंग सब वैसे ही है नाम इसका, तो वो बीच पे थोड़ा शॉपिंग करने जा रहे हैं एंड विल हैव डिनर एज वेल वहीं पे। तो अभी चलते हैं स्ट्रीट शॉपिंग पे एंड लेट्स सी वहाँ का शॉपिंग के आस पे मत रहो, पता नहीं हमको शॉप करेंगे हम नहीं करेंगे। हाँ तो देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ पे। यो स्टे ट्यून्ड।
डे वेल स्पेंड. शाम को हम बाहर निकले, वी वेंट टू दैट अवनोंग बीच. सो अवनोंग बीच एक 3 से 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वहाँ पे सब शॉप्स है, हैपनिंग प्लेसेस है, रेस्टोरेंट्स है और बहुत कुछ है शॉपिंग करने लायक. इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत है लाइन में. सो क्रैबी में आओगे विजिट अवनोंग बीच, वो पूरे लेन पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे. एंड आई वुड स्पेशली रिकमेंड वन रेस्टोरेंट विच इज़ तंदूरी नाइट्स. तंदूरी नाइट्स में आज हमने बहुत सुपर एंड ऑसम इंडियन फूड खाया है, एक नंबर फूड था. डिड सम शॉपिंग एज वेल. अभी हम वापस आए हमारे रिसोर्ट पे. टुमारो विल बी चेकिंग आउट ऑफ क्रैबी और हम जाने वाले हैं फुकेट. सो टुमारोज डे इज अ लीजर डे, हम ट्रैवलिंग में बिताएंगे एंड होटल में डे स्पेंड करेंगे. एंड डे आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग द फिफी आइलैंड टूर. सो स्टे ट्यून्ड द चैनल, मेक श्योर यू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज. और पूरा प्ले लिस्ट में ऊपर छोड़ रहा हूँ, थाईलैंड, क्रैबी, फुकेट, सब ट्रैवल आइटिनरी सब छोड़ने वाला हूँ वहाँ पे ऊपर डिटेल्स में. सो मेक श्योर टू चेक इट आउट. थैंक यू एंड लव यू.